ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे तीन टी20 मैच की सीरीज के तीसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 12 रन से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 187 रन का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में भारतीय टीम 7 विकेट गंवाकर 174 रन ही बना पाई। भले ही भारतीय टीम को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए ग्लेन मैक्सवेल और मैथ्यू वेड ने अर्धशतक लगाया। मैच के दौरान ग्लेन मैक्सवेल को 3 जीवनदान मिले, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और 54 रन की पारी खेली। भारतीय टीम के लिए कप्तान विराट कोहली ने 61 बॉल पर सबसे ज्यादा 85 रन की पारी खेली। ये उनके टी20 करियर की 25वीं अर्धशतक रहा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्पिनर मिचेल स्पिन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। मैच में भारतीय कप्तान कोहली को 2 जीवनदान मिले, इसके बावजूद वे टीम को जिता नहीं सके। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर विराट कोहली को पहला जीवनदान मिला। मैक्सवेल की बॉल पर कोहली ने हवा में शॉट मारा था और ये बाउंड्री पे खड़े स्मिथ के सामने कैच आकर रुका था, लेकिन वो इसे लेने में नाकाम हो गए। तब कोहली मात्र 9 रन बनाकर खेल रहे थे।